अगर आप एक सीएससी वैली हैं, सीएससी में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है यूटीआई की तरफ से। अगर आप भी सीएससी आईडी के थ्रू यूटीआई में पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो पैन कार्ड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस चेंज हो चुका है। अगर आपको अभी का जो नया प्रोसेस आपको पता नहीं चल रहा है कैसे आपको अपलोड करना है, क्योंकि पहले के आपको वहाँ पर सिर्फ अपना एप्लीकेशन फ़ोटो और सिग्नेचर का सेपरेट कॉलम होता था, आपको वहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करना होता था, लेकिन अब उसे चेंज करके यहाँ पर सिंगल कर दिया है। इसीलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है किस तरीके से सीएससी के जरिए अगर आप यूटीआई पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कैसे आप सीएससी आईडी के थ्रू यूटीआई में पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से अपलोड करेंगे और क्या है इसका नया प्रोसेस। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डिजिटल पोर्टल सेवा में लॉगिन हो जाना है अपने सीएससी आईडी की मदद से। जैसे अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल में आप आ जाएंगे, अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है यूटीआई का, तो आप यहां पर सर्च करेंगे पैन। लेकिन आज हम बात करेंगे पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो कैसे करते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड सर्विसेस है यूटीआई का, हम यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी जो है इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से, तो इधर टिक करेंगे और प्रोसीड। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम उसी तरीके से क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता ही है पैन कार्ड जो है यूटीआई में पहले की तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। पहले जो आप सिग्नेचर को फोटो को आप स्कैन करके रखते थे 218x218 पिक्सल में, या फिर आप जैसे कि सिग्नेचर को 600 रेजोल्यूशन में आप इसे स्कैन करते थे, वैसे ही आपको ये सब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखिए अप्लाई न्यू पैन का जो मेनू है, आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट का एक आपको लिंक मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एक जन का करेंगे, यहाँ पर क्रॉप एंड अपलोड करके यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिसका अगर आप करना चाहते हैं अपलोड, उसके ही लाइन में आपको यहाँ पर क्रॉप एंड अपलोड का एक लिंक मिलेगा, जिससे आप क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले जो आपका वहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन फोटो सिग्नेचर तीन सेक्शन होता था, यहाँ पर आपको एक ही सेक्शन है। तो फोटो और सिग्नेचर को आपको कहाँ अपलोड करना है मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल में मिलेगा, लास्ट में देखिए ब्राउज का एक ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो आपका पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा जो पीडीएफ फाइल है पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म सिग्नेचर करने के बाद जो हम स्कैन करते थे, आपको 200 DPI ठीक वैसे ही करना है पहले की तरह, सिर्फ जो स्कैनिंग का प्रोसेस है सेम है। तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन फाइल है उसे हम यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करेंगे उसके बाद फोटो लगाने के बाद कस्टमर का सिग्नेचर करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को 200 DPI में ही आपको स्कैन करना है पहले की तरह। इसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे है अपलोड PDF फाइल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके जितना भी पेज आपका होगा वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो है पेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है और धीरे धीरे इससे प्रोसेस चल रहा है, सेकेंड वाला भी आ चुका है और बाकी है अभी जो आधार कार्ड है उनका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आ चुका है। तो तीनों का तीनों जो है फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने का मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर भी आ चुका है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही PDF फाइल को यहाँ पर स्कैन किए हैं, ना ही फ़ोटो को एक्स्ट्रा किए हैं या फिर क्रॉपिंग किए हैं या फिर सिग्नेचर को एक्स्ट्रा किए हैं, हमने कुछ नहीं किए, हम उसी के जरिए ही सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, फ़ोटो है, इसके बाद सिग्नेचर है, तो हमको इसमें से फ़ोटो और सिग्नेचर को अलग अलग करना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर को अलग करने के लिए जैसे कि यहाँ पर पता चल जाएगा कि पहले वाला जो पेज है इसमें फ़ोटो है दो ठो, तो ये फ़ोटो को हमको लगाना है, तो हम यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, देखिए कौन सा फ़ोटो आपको सबसे बेटर लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है ये जो फ़ोटो है यहाँ पर अच्छे से ये दिख रहा है और अच्छे से फिलअप हो जाएगा, तो आप हमेशा ये वाला फ़ोटो को कीजिए। लेकिन ये जो फ़ोटो है थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको ऐसे ड्रैग कर देना है, जैसे आप ड्रैग करते हैं ना फोटोशॉप में या फिर आप पेंट में, ठीक वैसे करना है। ड्रैग करने के बाद अच्छी तरीके से देख लीजिए सब कुछ बराबर है क्या, बराबर है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रॉप इमेज में, देखिए फ़ोटो आ चुका है। अब क्या बाकी है, सिग्नेचर, सिग्नेचर कौन सा पेज में रहता है, सेकेंड वाले पेज में, तो यहाँ पर हम सेकेंड वाला पेज को भी क्लिक करके यहाँ पर नीचे आएंगे और इसको भी हम यहाँ पर ऐसे ही ड्रैग करेंगे,
ड्रैग करेंगे और हो गया। इसके बाद क्रॉप इमेज नीचे भी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर तो आ चुका है, लेकिन हमको फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर लाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप क्रॉप पिक्चर एंड सिग्नेचर एट द करेक्ट पोजीशन, यानी कि आपको जो फ़ोटो को यहाँ लाना है और सिग्नेचर को यहाँ लाना है। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है नीचे। देखिए आ चुका है फ़ोटो, इसके बाद सिग्नेचर को भी सेम आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है। हमारा सब कुछ यहाँ पर अपलोड प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं फाइनली, तो हमारा जो है अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। वेल डन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। सो इस तरह से अगर आपको UTI में CSE के जरिए हो या फिर किसी और के जरिए हो, अगर आप UTI में पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको अपलोड करने का जो प्रोसेस है ये है अभी फ़िलहाल के लिए 2022 का नया प्रोसेस है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।